एक दूजे के वास्ते वो क्या रहे भाई कहाँ रह गए सब अरे झुमरी दीदी सबको बुलाओ ना लेट हो रहा डिनर के लिए लेट नहीं जी छोटे साहब अपने कमरे में खा रहे हैं अवनी दीदी खाकर पढ़ने गई और भाभियों की तो आधी नींद भी हो गई होगी बस बड़े साहब को भूख नहीं लगी थी मेरी मम्मी खा के सो गई जी मेरी मम्मी तू क्या हुआ मियां अबे बंटी मेरी मम्मा ना बुखार में भी खुद से पहले मुझे और अवनी को खाना खिलाती है पता नहीं आज क्या हो रहा है यार ये बस तुम्हारे जैसे लड़के बड़े होके बिगड़ जाते हैं मियां अब हम दोनों क्या अकेले खाना खाएं इस टेबल पे वैसे दुमरी जी आपका खाना हो गया क्या तो फिर आ जाइए बैठ जाइए साथ में बैठ कर खा लेते हैं वैसे भी मेज काफी बड़ी है नहीं जी मैं ना ओट्स वाली रोटियां खाती हूँ वैसे भी काप साप से ना तोन निकल जाती है आप खाइए जी ये जो हो रहा है ना इस घर में ये सब तो नहीं चलेगा ये तो नहीं चलेगा हाँ मिया कुछ करो तुम पर इतना जोश अभी से कैरम छोड़ दिया गया मिया बंटी दोनों प्लेट्स उठा और साथ चल चल ठीक है सुनिए जी आप तो बाहर चले जाइए मैंने सिर्फ भाभी का साथ देने के लिए उनके साथ में खाना खाया आप तो सबके साथ जाकर खा सकते हैं अब तो सब यहाँ खाने आ गए चाची बहुत अच्छा किया बैठो मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ हमारे लिए ओट्स वाली लाना वो क्या है ना हमारा जो पेट है ना वो बाहर निकला कोई भी चलेगी बंद क्यों किया मैं देख रहा था ना हम भी आए ना हमसे बात क्यों नहीं कर रहे आप जान दे ओए श्रवण तुम्हें और भाई साहब को पड़ोसियों के अलावा कोई दिखता है क्या इधर देखो मेरा चेहरा देख के बताओ चाचू आपको लगता है अपने परिवार से बढ़ के मेरे लिए कुछ और होगा क्या एक्टिंग है आंटी ने खाना बनाया और मैं समझता हूँ श्रवण मगर कल मैंने वो कर्नल साहब को दो बातें क्या बोल दी वो भाई साहब तो लड़ पड़े मुझसे ओए मेरी छोड़ वो भाभी को क्या कुछ नहीं बोला भाई साहब ने क्या पापा ने मम्मी को और नहीं तो क्या और तू ही बता श्रवण उन तिवारियों ने हमारा जीना आराम कर रखा है हम उनको दो शब्द नहीं बोल सकते और नहीं तो क्या बिल्कुल सही किया आपने चाचू मैं तो खुद क्लास छोड़ने वाला था वो बस आप लोगों की वजह से रुक गया मैं अब आप लोग ही तो चाहते ना चाचू कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं लाइफ में कुछ बन के दिखाऊं पर नहीं चाचू लाइफ में फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता और ये बात मैंने उस सुमन को भी बोल दी मैं समझता हूं श्रवण तू भी फंसा हुआ है खैर मिट्टी डालो इन बातों पे मैंने उन तिवारियों के मुंह ही नहीं लगना खुश अब जा तू बाहर जाके सबके साथ खाना खा ले ठीक है चाचू चल बंटी मम्मा को सुना दिया यार इसीलिए कल से उनका मूड ऑफ है ऊपर से मैं भी तो कम नहीं हूं कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी को मनाने के लिए
हेलो, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ क्या? एग्जाम सिर पर है और तैयारी जीरो, अंडा। तू टेंशन मत ले, आज हम तेरा टाइम टेबल बनाते हैं, ओके? स्टार्ट करते ना, फिलहाल के लिए ताका झाकी। नहीं, ये गलत बात है। एक बार के लिए ठीक था, पर ऐसे बार बार किसी के घर में, चुप कर यार। ये अपनी रूम की लाइट ऑन छोड़ के खुद कहाँ गायब हो गया है? कंचा, मुझे अभी श्रवण की दूर भी लो, बस नाम बोलने की देर हो। हाँ बोलो यार। सुमो, तुम्हारे घर तो बड़ा अंधेरा है यार, समझ नहीं आ रही है, देख कौन? बिल्कुल नहीं, तुम। अरे पता है तुम नहीं हो, तुम तो अपने बाल सुखा रही हो। रिशत, कंचा। जी नहीं, कंचा और मैं तो बस बातें कर रहे थे, पर तुम्हें सब कैसे दिख रहा है? ये सब छोड़ो सुमो, उस दिन जो मैंने तुम्हें सब सच बताया, तुम नाराज तो नहीं हो ना? किस बात पे? क्या बता दिया था? बड़ी पक्की है यार, मैंने राज रखने को बोला तो मेरे ही सामने एक्टिंग कर रही है। चलो कोई नहीं। अरे कुछ नहीं, मुझे बस ये पूछना था कि लड़कियों वाली अच्छी सी पंजाबी ड्रेस कहाँ मिलेगी? अब इसे लड़कियों की ड्रेस का क्या करना है? तूने इसकी वजह से डमरू भैया को अपनी रेड ड्रेस दे दी थी ना, इसलिए वो तेरे लिए नई ड्रेस ला रहा है। ये कैसा सवाल है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता? पर मुझे पता है। शुगर है, क्योंकि मुझे ना तो आसपास के एरिया का आइडिया है और ना ही लड़कियों की ड्रेस का। वैसे कैसी टाइप की ड्रेस चाहिए तुम्हें? यार सिंपल सी तो नहीं पसंद आएगी, कोई पार्टी में बताना। सुमन की रेड ड्रेस टाइप? हाँ यार, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली कंचा, कोई वैसी ड्रेस बता। परफेक्ट, ऑनलाइन ऑर्डर करो, कल तक आ भी जाएगी। एक काम करो, रुको मैं तुम्हें वेबसाइट का नाम मैसेज करती हूँ, ठीक है? थैंक यू कंचा, थैंक यू सो मच। पर एक शर्त पे, जो भी ड्रेस फाइनल होगी मुझे देखनी है। नहीं 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 नहीं, ये शर्त नहीं चलने वाली, जिसके लिए सरप्राइज है ना, सबसे पहले तो वही देखेगी। मंजूर है तो बोलो। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, बाय बाय। कंचा, तेरा दिमाग खराब हो गया? मैंने मना भी किया था फिर भी। अरे चिल ना यार, गिफ्ट तो वो दे रहा है, तुझे सिर्फ लेना है। पर वो गिफ्ट दे ही क्यों रहा है? अरे सिली, इससे ताक छाक करके और बंटी की माफी खुद रख के उसने तुझे बुरा फील करवाया, अब तेरी खोई हुई ड्रेस तुझे वापस करके वो तुझे अच्छा फील करवाना चाहता है, सिंपल। इतना सोचने वाला इंसान नहीं है वो, दो बार मेरे साथ जलेबी खाने गया था और दोनों बार वॉलेट के बिना, और पता है वहां जाके क्या बोलता? सुमो अभी तू दे दे, घर जाके हम हिसाब कर लेंगे। हिसाब कर लेंगे? सीरियसली? या मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है, इनफैक्ट मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है उसके सरप्राइज। चल ना, करने दे जो कर रहा है, ड्रेस अच्छी हुई तो मैं रख लूंगी। वाह वाह, लो मिया देखो, दोनों काम एक साथ निपटा लिए, जितना आता था उल्टी करिए। ड्रेस का लिंक भी आ गया। पर यार बंटी, बड़े अजीब है दोनों मैंने, और उस सुमो तो ऐसे भड़क रही थी जैसे मम्मा के लिए ड्रेस लेना कोई पाप है। कंचा भी पता नहीं क्यों कूद फात कर रही थी। हम तो पहले कह रहे थे ना मिया कि अवनी से पूछ लो, पर तुमको तो वही बात करनी थी तो करो। नहीं यार, अवनी की पढ़ाई डिस्टर्ब की ना तो फालतू की चैचा करेगी वो, और वैसे भी अभी सिर्फ मम्मा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना है। पर सुमन का किया, चाचू मियां ने तो कह दिया कि वो मुंह नहीं लगेंगे, पर इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद वो लोग सामने से उलझ गए तो।
अरे विजय अंकल को अगर बताना होता ना तो अभी तक बता चुके होते, और सुमो तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं बोलेगी, तो उलझेगा कौन? अगर तुझे किसी को कोई बात कहनी हो और वो सही भी है, पर कायदे से तुझे नहीं बतानी चाहिए क्योंकि उससे कई रिश्ते खराब होंगे, तो तू क्या चुनेगा, सही या रिश्ते? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो बिना कुछ बताया नहीं था, वो तो मुझे पूछ भी नहीं थी कि आपसे क्या बात हो, लेकिन मैं उससे सच में कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे। माथा ठीक कर, बैठ जाओ, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर बाबूजी कौन से रिश्ते, कौन सी बात? कल विजय को इन मल्होत्राज ने ग्रुप स्टडी के बाद अपने घर बुला के उसे बिठा के और उसकी बेइज्जती की। बेइज्जती? ये कब हुआ? भैया ने तो बताया ही नहीं। विजय ने किसी को कुछ नहीं बताया, वो तो वो बेवकूफ जूनियर मल्होत्रा जो है ना, उसने फोन पे सुमन समझ के मेरे सामने सब बड़बड़ किया, नहीं तो भाऊजी। लेकिन अभी वो देवराज भाई साहब ने वो गट्टे की सब्जी, अरे देवराज ने नहीं, उसके भाई ने बकवास की है। उस दिन सोसाइटी ऑफिस में मैंने उसे सुनाया था ना, इसलिए उसने विजय से मेरे बारे में कहा है कि उन्हें तीरथ पे भेज दो, पूजा पाठ करवाओ, दिमाग ठंडा करो, और न जाने क्या क्या। भाऊजी आपके बारे में भाई साहब से? इसीलिए कल तूने देखा नहीं विजय कैसा उखड़ा उखड़ा था। हाँ भाऊजी, मुझे लगा कि वो भाई साहब के पैर में चोट लग गई है इसीलिए। ये तो हद हो गई, इसलिए सोच रहा हूं या यूं कहूं कि इस कशमकश में हूं कि जाके सीधे मैं उस कथे राजेंद्र को सुनाऊं या मल्होत्रा को सुनाऊं। तू क्या कहता है? अगर हमारे घर से बड़े सदस्य जा रहे हैं तो उनके घर से भी कोई बड़ा और समझदार होना चाहिए बाबूजी। मुझे भी यही लगता है, देवराज से बात करनी चाहिए, बड़ा दोस्त दोस्त करता है ना, अभी से ही जवाब देना चाहिए। जवाब देंगे बाबूजी, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है, वरना लोग तो वो बहुत अच्छे हैं। ये अकल की बात करते करते बेअकलों की दुनिया में क्यों पहुंच जाता है रमेश? अच्छा अच्छा साइड में रख, फिलहाल तो मुझे देवराज से बात करनी है। सुमन, अब बाकियों को तो मैंने नोट्स मेल कर दिए हैं, अब तुम्हारे लिए ये सिरॉक्स, तुमको पेपर से पढ़ना पसंद है, इनसे काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स अनीश। क्या बात है, उधर स्पेशल सरप्राइज, यहाँ स्पेशल नोट्स। हाय, मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे दोस्त? नई ड्रेस के लिए थैंक यू दीदी। बस डमरू भैया, बताया था ना किसे थैंक्स कहना है। इसके लिए भी डमरू भैया, अगर घर में आती हर ड्रेस आपको अपनी लगने लगी है तो प्लीज पहली वाली भी जाकर आप वापस ले आओ। नाम तो तेरा ही है। सुमन, तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं, वो तो 9 सितंबर है ना। फिर तो ये रेड ड्रेस तेरे नाम से, और देख क्या लिखा है। प्लीज माफ कर दो। हाय, क्या बड़ी बना है। मुझे नहीं चाहिए ये ड्रेस, और ना ही ऐसा बड़ी बना। कम ऑन यार सुमन, इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा सिर्फ एक माफी के लिए, तो चुपचाप अपने नखरे छोड़ के खुश नहीं रह सकती क्या? तू रहने दे, तू रहने दे, और इसे इधर ला, मैं ही देखती हूँ। अपनी बड़ी से माफी मांगने के लिए इतना सब कुछ। जी
छोड़ो ना आप कल वाली बात को, दो बातें आपने बोली दो मैंने, अब आंसू पोछो जी, मिट्टी पाओ। बस जी, ज्यादा खुशफहमी में जीने की जरूरत नहीं है, आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ मैं। जो प्याज है ना ये रुला रहा है मुझे, बड़ा ढीठ होता है ये प्याज। वो आपको जो रुलाएगा ना जी, मैं उसे चीर दूंगा। मतलब मैं प्याज चीर दूं? मतलब लाओ काट दूं प्याज? अरे नहीं छड्डो जी। अरे लाइए ना। अरे छड्डो ना मुझे, मैं काट दूं। मैंने कहा छड्डो जी। अरे मैं काट दूंगा। छड्डो, चाय चाहिए ना आपको? हाँ चाय का टाइम हो गया है ना, इसीलिए आए हो आप, सब समझ में आता है मुझे। जी वो इसलिए कि आपके जैसी कोई बनाता ही नहीं है ना, एक कप चाय मिलने तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलने वाली आपको चाय। जब डांटना होता है ना तो सबके सामने कैसे भी चिल्ला देते हो मुझ पर, और जब कुछ चाहिए होता है तो ऐसे चुपके से आके मांग रहे हो। इस घर में नौकरानी नहीं हूँ मैं। ओ जी सबके सामने कहाँ जी, वो तो घर वाले थे उनके सामने। अच्छा घर वालों के सामने? आपने कभी देखा है हमारे घर वाले आपस में ऐसे बात करते? कभी देखा है राजेंद्र को रागिनी से ऐसे बात करते हुए? कितनी इज्जत करता है वो उसकी। और आपने आपने क्या किया जी, झुमरी के सामने तक मुझे इंसल्ट कर दी मेरी। ओ जी झुमरी तो हमारे। हाँ जी आपने बुलाया जी? हाँ बुलाया। झुमरी एक काम कर, जो काम कर रही है ना उसको छोड़ दे, और इनको ना चाय वाय शायद जो चाहिए ला के दे दे। और हाँ शाम की सब्जी के ना प्याज भी कटवा लेना जी। ओ जी क्या बात है, आजकल आप कुछ ज्यादा ही भड़कने लग गई हैं। क्योंकि जी आपको ना आजकल बाहर वाले ज्यादा प्यारे लगने लग गए। ओए श्रवण बेटा तू ग्रुप स्टडी में टाइम पर जाना कब सीखेगा? पापा आज खुद ही पढ़ना है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है ना। झुमरी जी श्रवण भैया को खाना दे दे, बहुत टाइम है इनके पास। झुमरी दीदी उन्हें रहने दो, कुछ वड्डा करने जा रहा हूँ, टाइम है मेरे को। देखा देखा जी आपने कैसे नकल उतार रहा है मेरी, बिल्कुल ना आपसे सीख रहा है, मैं बता रही हूँ। छोटे भाई को मनाना नहीं, बल्कि जी जलाना जानता है मेरा। देखो रुलाते रहता हूँ। आज मैं सब ठीक कर दूंगा मामा, आपका गुस्सा, आपका जला हुआ जी, आपकी नाराजगी, आपकी शिकायतें सब। रणवीर सिंह। ओ हो 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 हो, लगता है किसी को सजा की बहुत आदत पड़ गई है, आज फिर लेट क्यों? अबे पुच्छल, सजा तो तुझे भगवान ने दिया ऐसी याददाश्त देकर। आज क्लास नहीं रिवीजन है बेटे। हो गया निकल। सुमो वो मेरा कोई पार्सल आया था क्या? पता नहीं। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है, लग ही नहीं रहा कि इसे चाचू और बीबी वाली बात से कोई फर्क पड़ा हो। कंचा वो ड्रेस वाले से कोई पार्सल आया था क्या? नहीं तो वैसे कैसी ड्रेस ऑर्डर की थी? बोला था ना सरप्राइज है, अभी बता नहीं सकता। अच्छा किसके लिए मंगवाई थी वो तो बता दो। सुनो भाई बच्चों, अब आप लोग बाकी रिवीजन घर जाके करिए, और कल पूरी तैयारी से आइएगा, टेस्ट होगा। ओके? यस सर। पार्सल वाला तो बोल रहा था घर के पास हूँ, फिर कहाँ वो? और श्रवण घर पे सब ठीक? पापा चाचू तंदुरुस्त सब? जूनियर मल्होत्रा से श्रवण, घर वालों का हालचाल? चल क्या रहा है, ठीक तो है ना दद्दू? हाँ दद्दू सर सब ठीक है। वैसे विजय ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पे क्लास बहुत अच्छी हुई, मैं खुद मिलके तुम्हारे घर वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। इतनी सी बात पे इंप्रेस, सही है। च,
चलो बॉम्ब विस्फोट वाले रूप से तो यही मूड ठीक। डमरू को पार्सल का बताऊंगा, इससे पूछता हूं। तुम लोगों ने घर बुलाकर मेरे बेटे को जलील किया है, मैं बहुत जल्द इसका बदला पूरे मल्होत्रा परिवार से लूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।